कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे का रविवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन राहुल गांधी ने पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी टीम से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम पीएम के ओहदे की तौहीन नहीं करते, लेकिन जब मोदी विपक्ष में थे तो वो ऐसा करते थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मिशन गुजरात पर है। तीन दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल ने दूसरे दिन कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अपने ट्वीट को लेकर हमले पर सफाई दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये सच है कि गुजरात में विकास पागल हो गया है। राहुल ने एक बार फिर कहा कि वो प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इस पद का निरादर नहीं किया। हम जो भी कहते हैं वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कहते हैं और उनकी गलतियों को ही चिन्हित करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमेशा ही प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहा करते थे। राहुल ने जीएसटी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया है। वहीं बनसकांठा की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी अभियान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी की नोटबंदी में हिंदुस्तान के सारे चोरों ने अपना सारा काला धन सफेद कर लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर राहुल गांधी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माने जाने वाले उत्तर गुजरात के दौरे पर है। इससे पहले राहुल गांधी सौराष्ट्र, सेंट्रल गुजरात और दक्षिणी गुजरात का चुनावी दौरा कर चुके हैं।